अगर थे आपकी वर्कशीट नंबर 20, तो आपकी 7th क्लास की साइंस की वर्कशीट ऐसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, क्लास लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को ही पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन, तो हम चैप्टर का नाम तो यही है, आज हम इसमें ह्यूमन के डाइजेशन के बारे में जानेंगे। लेकिन फिलहाल इस वाली वर्कशीट में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बताने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिले, तो आप उसके लिए हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ लिखा है क्वेश्चन, तो लिखा है वाई शुड वी चॉप फूड प्रॉपरली वेल ईटिंग, यानी कि जब हम खाना खाने बैठे तो हमें खाने को अच्छे से क्यों चबाना चाहिए, क्या रीज़न है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, इट हेल्प इन द इजी टू इंजेस्ट एंड एज वेल एज इज द डाइजेशन ऑफ फूड, यानी ये खाने को हमारे मुंह से पेट के अंदर जाने में और डाइजेशन करने में दोनों में मदद करता है, इसीलिए हमें खाने को चबा के खाना चाहिए। लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ अवर टीथ, यानी हम अपने दांतों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कैसे अपने दांतों की रक्षा कर सकते हैं। अब आप यहाँ से लिखेंगे, वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातून एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, यानी हमें कम से कम ब्रश से या दातून से अपने दांतों को दिन में दो बार मारना चाहिए। और इसके अलावा हम कुछ भी खाएं तो खाना खाने के बाद जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उसके बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। ठीक है, रिंस मील है ना, आफ्टर मील कुछ भी खाना खाने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, राइट वन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ईच, यानी हर किसी का एक एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको दो का एक साथ बता दूंगी, दो का एक साथ बता दूंगी। ठीक है, ये अगर मैं मेरे से ही आगे पीछे हो गए हैं तो आप टेंशन नहीं लेंगे, जो आप चाहें आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि पहले सलाइवा ग्रैंड क्या है, टंग क्या है, मॉलिक्यूलर टीथ क्या है और सलाइवा क्या है। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप टंग का लिख लेंगे कि ये खाने को मिलने में और उसका क्या टेस्ट है ये हमें बताने में मदद करती है। ठीक है, जबकि मोलर क्या करता है, ये आपका च्यूइंग करते हैं, यानी दांतों को, ये जो मोलर टीथ होते हैं ये आपके खाने को चबाते हैं और उसको अच्छे से मिक्स करने में मदद करते हैं। चलिए आगे के दो पढ़ लेते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर लिखेंगे, सलाइवा ग्रैंड का मतलब होता है कि ये सलाइवा निकालता है। ठीक है, और जबकि सलाइवा का क्या मतलब होता है कि ये शुगर के साथ छोटे छोटे टुकड़े करता है हमारे खाने की। ठीक, तो इस तरह से आप लोग इसे आसानी से लिख सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट कहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।